दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जिसका आधुनिक विज्ञान में भी इलाज नहीं है दोस्तों, और आपके घर में इसका इलाज है। दोस्तों आपने देखा होगा जब गले का काग गिर जाता है, यानी कि ऊपर तलवा जो है जीभ से गिर जाता है दोस्तों, और थूक छटकने में दर्द होता है और ये तलवा ऊपर से बिल्कुल लाल हो जाता है दोस्तों। जब आप किसी का भी मुंह खुलवा के देखेंगे तो उसका जो ऊपर काग है जीभ से भिड़ा हुआ महसूस होता है दोस्तों, और उसको थूक सटकने में दर्द होता है दोस्तों, बार बार धसका लगता रहता है, खांसी उठती रहती है बेटा, और उसमें दर्द बहुत होता है जी, तो उसमें दर्द होता रहता है दोस्तों। आप एलोपैथी में क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, जब तक दवा खाते आराम रहता है, दवा छोड़ने बाद फिर ऐसे हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान और घरेलू उपाय है दोस्तों, और आप घर पे करेंगे तो एक बार में ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। जिनका भी गले का काग लटक जाता है दोस्तों, यानी कि काग गिरना बोलते हैं इसे देसी भाषा में दोस्तों, इसको इसके लिए एक साधारण सा उपाय है, आपके घर में लहसुन है लहसुन दोस्तों, आप एक दो लहसुन की पोती छील के उसका रस निकाल लीजिए, और एक किसी तिल्ली में माचिस की तिल्ली ले लीजिए, उसमें रुई को लपेट लीजिए और उस लहसुन के रस में उसको डुबोकर जहां पर तलवा में काग गिरा हुआ है दोस्तों, बस एक बार लगा दीजिए उसको हल्का सा, एक बार लगाने पे ही आप देखेंगे एक बार में काग ऊपर चढ़ जाएगा दोस्तों, और जिसको गले में दर्द हो रहा है या थूक सटकने में दर्द हो रहा है या जो भी दिक्कत है गले में बार बार धसका दोस्तों, एक बार में ठीक हो जाएगा दोस्तों। और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। आपका दोस्त डॉक्टर पंकज नेचुरोपैथी ग्रेटर नोएडा।